एवरीवन एंड वेलकम टू यूके ट्रिपल सी एस्पिरेंट। जैसे कि मुझे आप लोगों के काफ़ी सारे मैसेज आ रहे थे, काफ़ी टाइम से कमेंट आ रहे थे कि सर प्लीज़ एक फॉरेस्टर के ऊपर वीडियो बना दीजिए। तो ये वीडियो आपकी फॉरेस्टर के बारे में रहने वाली है, जो आपके भी पोस्ट आई हैं जिसमें 200 लिखा है, बट वो 200 नहीं, वो 84 के समथिंग पोस्टें होनी है, और उसमें स्लैश करके उन्होंने 12th का भी उसी में डाला है। तो जिसका पेपर आपको अप्रैल में बताया गया है, किसका पेपर अप्रैल में होगा, ठीक है। तो ये मेरे सामने फॉरेस्टर का ये पुराना वाला अधियाचन है, नोटिफिकेशन है, जो हमारा फर्स्ट टाइम आया था, ठीक है। अभी उत्तराखंड में एक ही बारी फॉरेस्टर की भर्ती हुई है, और वो लास्ट टाइम हुई है, ठीक है, जिसका री एग्ज़ाम भी हुआ था। तो ये वो पुराना वाला है, 316 वाला, पर इस पे मैं आपको आज चार चीज़ बताने वाला हूँ, ठीक है। पहली चीज़ है कि नोटिफिकेशन के बारे में, कि उसमें आपका क्या क्या एजुकेशन चाहिए होती है, कितनी एज चाहिए होती है, और क्या क्या मेडिकल में चाहिए होता है, ठीक है। दूसरा मैं आपको बताऊंगा सिलेबस के बारे में, ठीक है, इसमें सिलेबस कैसे क्या क्या होता है। तीसरा मैं आपको बताऊंगा बुक्स के बारे में, और चौथा मैं आपको बताऊंगा स्ट्रेटेजीज के बारे में, ठीक है। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो जिसके काम की वीडियो आप इसे पूरा देख सकते हैं, क्योंकि आपको ये पता है कि आप भी काफ़ी सारे एग्जाम हैं, तो उसमें मैं थोड़ा बिजी हूँ, तो मैं आपको सारा इसी वीडियो में बता दूंगा। तो जैसे कि आप मेरे सामने देख सकते हैं, ये एक पुराना वाला वन दरोगा वाला नोटिफिकेशन है। तो इसमें अगर आप ये पे स्केल देखोगे तो लेवल 5 की है, तो जब आपकी जॉब लगती है तो उस समय आपका वेतन 29 20 से लेकर 92 300 तक जाता है, तो आपकी ये 45,000 के लगभग बनती है, ठीक है। और आपके हाथ में आती है 40,000 स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग सैलरी आपके हाथ में 40,000 आती है, ठीक है। इसमें आपकी एज है 18 साल से 28 साल तक, ठीक है, 18 से 28 है, और ये आपका पेंशन अंशदायी पेंशन युक्त पद का स्वरूप है, ठीक है। इसमें आप अगर आप इसकी एजुकेशन देखेंगे तो ये उस समय 12th बेस मांगा हुआ था, 12th बेस मांगा हुआ था साइंस साइड से, आपका 12th में साइंस होनी चाहिए, ठीक है। और इसकी अगर आप फिजिकल वगैरह देखोगे तो फिजिकल में हाइट थी 163 सेंटीमीटर बॉयज़ के लिए, और गर्ल्स के लिए थी 150 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसमें सिर्फ बॉयज़ का था ये सीना फुलाने का 5 सेंटीमीटर विस्तार, ठीक है, ये सिर्फ बॉयज़ का होता है। फिर जो हिल सर्टिफिकेट वाले हैं उनमें बॉयज़ के लिए 152 सेंटीमीटर और गर्ल्स के लिए 145 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई थी, ठीक है। फिर इसमें आपका मेडिकल में देखोगे तो मेडिकल में आपकी जो ये +-4 डायोप्टर है, ये आपकी आईसाइट होनी चाहिए, ठीक है, +-4 डायोप्टर आपकी आईसाइट होनी चाहिए मेडिकल में। फिर अगर आप इस पर फिजिकल देखोगे तो बॉयज़ को 25 किलोमीटर करने थे 4 घंटे में, ठीक है, और गर्ल्स को 14 किलोमीटर करने थे 4 घंटे में, ठीक है। ये था आपका फिजिकल। फिर इसमें इसमें आपको एग्जाम था, वो 100 अंकों का था, और वो था 2 घंटे का, ठीक है, 2 घंटे का 100 अंकों का पेपर था। इसका सिलेबस मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, ठीक है। और इसमें बाकी तो और चीज़ें कुछ नहीं है, ये था आपका नोटिफिकेशन। फिर इसमें अगली बारी आती है आपकी सिलेबस की, ठीक है। अगर आप इसके सिलेबस में जाएंगे तो ये आपका एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस था, ठीक है, 9th 10th का एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस था, ठीक है। काफ़ी सारे मुझसे पूछ रहे थे कि इस बारी 11th 12th से भी आएगा या 9th 10th से आएगा। अब ये तो अभी तक तो फिलहाल 9th 10th ही है, ठीक है, और 12th बेस में, अब जब तक नोटिफिकेशन नहीं आया तब तक इसके बारे में आपको कोई भी नहीं बता सकता। अगर आपको कोई भी बोल रहा है तो वो आपको ऐसे तुक्के मार रहा है, ठीक है। इस पर सिलेबस देखेंगे तो पहला था यूनिट 1 थी फूड की, ठीक है, फूड वाला था, ठीक है। फिर इसमें सेकंड था मैटर नेचर एंड बिहेवियर का था, ठीक है, ये इसे मैं स्लो स्लो ऊपर कर रहा हूँ, आप इसके स्क्रीनशॉट लेके देख ले रहा। ये आपका मैटर नेचर बिहेवियर था, इसमें ये आपका फिजिक्स है, कंडेंसेशन फ्रीजिंग एवेपोरेशन। फिर था नेचर ऑफ मैटर्स, ये नेचर ऑफ मैटर्स में आपका केमिस्ट्री आ गया, ठीक है, एलिमेंट्स कंपाउंड मिक्सचर हेटरोजेनस होमोजेनस, ठीक है, पार्टिकल नेचर बेसिक यूनिट्स हैं सारी, ठीक है। फिर मोल कॉन्सेप्ट है, इसमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स है, ये आपका केमिस्ट्री का है, ठीक है। फिर इसमें आया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग वर्ल्ड, इसमें आपके क्या है बायो शुरू हो गई है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हो गई है, ठीक है। इसमें आपको बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ये आपका 9th में मिलेगा, ठीक है, टिश्यूज ऑर्गन्स ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये सारे आपकी बायोलॉजी है। फिर ये हेल्थ एंड डिजीज, ये भी आपको बायोलॉजी में मिलेगा, ठीक है, डिजीज कॉज बाय माइक्रोब्स वायरस बैक्टीरिया प्रोटोजोन्स, ये सारा आपको बायो में मिलेगा। फिर आपके यहाँ पे फिजिक्स शुरू हो रही है, ये इसमें 9th 10th मिक्स है इस पूरे सिलेबस में। यूनिट 4 में देखना मोशन फोर्स एंड वर्क, ठीक है, मोशन है, ठीक है, फोर्स एंड न्यूटन लॉज है, ठीक
ठीक है, इसमें ग्रेविटेशन ग्रेविटेशन था इसमें, ये सब आपको 9th 10th के सिलेबस में मिल जाएगा। फ्लोटेशन हो गया, वर्क एनर्जी, पावर, साउंड, ये सारे आपको उसमें मिलेंगे फिजिक्स में। फिर आपको यहाँ पे एनवायरनमेंट का आता है, तो एनवायरनमेंट के बारे में भी, ये फिजिकल रिसोर्सेज ऑफ, ये आपको सब जब आप 9th 10th की फिजिक्स पढ़ रहे होंगे तो ये आपको एनवायरनमेंट का चैप्टर वहीं मिल जाएगा फिजिक्स के अंदर। ठीक है, बायो जियो केमिकल साइकिल इन नेचर, ठीक है, ये है आपका, ये भी सब आपका उसी में फिजिक्स में मिलने वाला है 9th 10th के। फिर आपका आएगा ये अगली है केमिकल सब्सटेंस, ये आपकी 10th की वो शुरू हो गई है, एसिड बेसिस सॉल्ट केमिकल रिएक्शंस मेटल एंड नॉन मेटल, ये सारा आपका केमिस्ट्री मिलेगा 10th के सिलेबस में। ठीक है, मेटल्स नॉन मेटल्स के ऊपर है। फिर आपको ये 10th के उसमें यूनिट 2 में आपको क्या मिल जाएगा, लाइफ प्रोसेस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एनिमल प्लांट्स, ये आपको रिप्रोडक्शन हेरिडिटी एवोल्यूशन, ये सारे आपको बायो मिलेंगे 10th के सिलेबस में। ठीक है, ये भी आपका 10th का सिलेबस शुरू हो गया, यूनिट 3 इफेक्ट ऑफ करंट्स मैग्नेट्स। ठीक है, ये आपके 10th का सिलेबस का है। नेचुरल फिनोमिना, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले पेपर में बना था, रिफ्लेक्शन ऑफ लॉज एंड इसके न्यूमेरिकल्स बने थे। ठीक है, ये कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये सारे आपके उसी में मिलेंगे आपको 10th के सिलेबस में ही आपका। ये रीजनल एनवायरमेंट हो गया, सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया, आवर एनवायरमेंट हो गया, ये आवर एनवायरमेंट आपको फिजिक्स से मिलेगा 10th में। ठीक है, अब अगली बात आती है बुक्स की। ठीक है, हमें बुक्स कौन सी फॉलो करनी है। देखो, बुक्स तो मार्केट में बहुत सारी हैं। ठीक है, अगर आप कहीं कोचिंग ज्वाइन करोगे तो कोचिंग में भी क्या है, वो वही बुक्स पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अगर कोई मुझसे पूछेगा कि क्या हमने कोचिंग करी थी, या जो बच्चे सेलेक्ट हुए थे वो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में गए थे, वो कहीं नहीं गए थे, उन्होंने अपनी सेल्फ स्टडी करी थी। ठीक है, उन्होंने सेल्फ स्टडी करी थी और उन्होंने अपने जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर करे थे। ठीक है, सारा ये पेपर कॉन्सेप्ट में था, जिसके कॉन्सेप्ट जितने अच्छे थे वो पेपर में सिलेक्शन हुआ था। और दूसरी चीज़ थी प्रैक्टिस। ठीक है, जिसने अच्छे से प्रैक्टिस करी थी, तो आपको क्या करना है, आपको एक तो एनसीईआरटी फॉलो करनी है। ठीक है, जैसे ये आपको स्टार्टिंग में ही दिखा है, आपको क्या फॉलो करना है, एनसीईआरटी फॉलो करनी है। एनसीईआरटी, एक ने मुझसे कमेंट में पूछा था कि सर नई वाली एनसीईआरटी फॉलो करनी है पुरानी वाली, तो ऑब्वियसली बात है आपको नई वाली एनसीईआरटी फॉलो करनी है, और आपको ध्यान देना है कॉन्सेप्ट में, जिसके कॉन्सेप्ट जितने ज़्यादा क्लियर होंगे, ठीक है, जिसके कॉन्सेप्ट जितने ज़्यादा क्लियर होंगे वो पेपर उतना अच्छा स्कोर करेगा, और जो वहाँ पे रट्टा मार के जाएगा, ठीक है, वो वहाँ पे कन्फ्यूज जाएगा। ठीक है, तो रट्टा बिल्कुल नहीं मारना है, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ठीक है, आपने स्केलर में देखा होगा, ठीक है, स्केलर में न्यूमेरिकल्स आ रखे थे, तो आपको ध्यान किस में देना है, न्यूमेरिकल्स में ध्यान देना है। ठीक है, ये आपकी स्ट्रेटेजीज है कि आपको न्यूमेरिकल्स में ध्यान देना है। न्यूमेरिकल्स का लेवल कुछ भी हो सकता है, ठीक है, न्यूमेरिकल का लेवल आपका कुछ भी हो सकता है, तो न्यूमेरिकल आपको अच्छे से करना है। ठीक है, मैंने अपना 50% टाइम एनवायरमेंट वेस्ट करा, जिसके वजह से पेपर में एक आधे नंबर रह गए। ठीक है, बहन का सिलेक्शन हो गया बट मेरे एक आधे नंबर रह गए, तो दिक्कत क्या हुई कि मैं जो ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे थे, मैंने उन्हें देख रहा था, वो एनवायरमेंट पढ़ा रहे थे, और मैंने वहाँ सारा टाइम अपना वहीं पर खराब किया। तो आप लोग कुछ मत करना, ठीक है, आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो में अच्छे से ध्यान देना। पिछली बारी इनका जो रेशियो बना था वो था 33 क्वेश्चन इसके थे, 33 क्वेश्चन इसके थे, और 33 क्वेश्चन इसके थे, और एक क्वेश्चन था एनवायरनमेंट का, बस एक क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये 100 नंबर का पेपर बना था लास्ट टाइम। ठीक है, इसमें से क्या थी, बायोलॉजी थोड़ी टफ थी। ठीक है, बायोलॉजी हमें इसलिए टफ लगी क्योंकि हम साइंस वाले स्टूडेंट थे, मेरी बायो नहीं थी। ठीक है, मेरी सिस्टर की भी बायो नहीं थी, बट जो बायो वाले थे उनके लिए बायो ईजी थी। ठीक है, तो हमारा जो कमांड था वो फिजिक्स में था और केमिस्ट्री में अच्छा था। ठीक है, और बायो में थोड़ा डिक्रीमेंट हो गया, जिसके वजह से हमारे मार्क्स थोड़े कम बने, और जो जो सिलेक्शन लिए उनमें सब ज़्यादा जिनकी बायो अच्छी थी तो वो बाजी मार गए। तो हमें क्या करना है, इस पर हमें ये तीनों सेक्शन अच्छे से पढ़ाई करनी है। ठीक है, कॉन्सेप्ट में ध्यान देना है। ठीक है, सेल्फ सेल्फ स्टडी करनी है, क्या करनी है हमें, सेल्फ स्टडी करनी है। ठीक है, और कॉन्सेप्ट में ध्यान देना, ये आपकी स्ट्रेटेजी रहने वाली है। ठीक है, और ये एग्ज़ाम आपका अप्रैल में अभी बोला है, बट अभी फिर भी देखो कब तक होता है। ठीक है, कैलेंडर के हिसाब से अप्रैल में। तो ये आपकी 4-5 चीज़ें थी जो मैंने आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, और अगर आपकी कोई भी चीज़ छूट जाती है, वैसे तो मैंने इसमें लगभग लगभग सारा क्लियर कर दिया, पर अगर आपकी कोई भी चीज़ छूट जाती है तो आप मुझे वो कमेंट में पूछ लेना। ठीक है, तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।